जी आप सामने देख सकते हो इधर की साइड होटल ही होटल है जो कि ढाबे। इस बस में हम जाने वाले हैं पटियाला से चंडीगढ़ और रोडवेज। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं बताता हूँ कि पटियाला से चंडीगढ़ का किराया कितना है। जी आप सामने देख सकते हो इधर की साइड होटल ही होटल है जो कि ढाबे और होटल वगैरह आप ले सकते हो। और इस लाइन में होटल और ढाबे ज़्यादा है। और ये जो इस वाली दीवार के पीछे देख रहे हो इधर है ISBT। तो अभी चलते हैं अंदर और फिर आपको दिखाते हैं कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो जी पंजाब में आए और पराठे ना खाए क्या फ़ायदा पंजाब में आने का। तो ये दही, ये पराठे, ये चाय, पराठे 30 के 2 काफ़ी सही है। पटियाला बस स्टैंड पर आ चुका हूँ। आज जो हम जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं पटियाला से चंडीगढ़ और वो भी रोडवेज बस से जाएंगे। तो ये इसलिए जा रहा हूँ कि आपको पता चल सके कि आखिर किराया कितना है और मतलब कितनी देर में पहुँच जाती है। तो काफ़ी भीड़ है और बस भी काफ़ी लगी हुई है, मतलब काफ़ी बसें मिल सकती है आपको यहाँ से पटियाला से। इस बस में हम जाने वाले हैं पटियाला से चंडीगढ़ और रोडवेज बस है पंजाब की। अभी यार नाम तो समझ में नहीं आता, पूछने से पता चला कि चंडीगढ़ जा रही है ये। तो जी बस में चलते हैं अंदर और अंदर से दिखाते कैसी, क्योंकि ये तो पूरी भर के चलेगी और देखते हैं टिकट कितना है, सारा कुछ बताएंगे। कहीं रुकती भी है, वैसे तो मुश्किल ही है रुकना क्योंकि 70-80 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। अभी 2 मिनट में भर गई पूरी यार। ये देखिए क्या है अपनी सीट। ये बस चल चुकी है और टाइम हो गया है 12। तो देखते हैं अब तक पहुँचते हैं 12:50 पर चली है। तो चलते हैं भैया। लग रहा है ट्रेन भी जाम में फंसी हुई है, यानी रुकी हुई है और अपने बस भी जाम लगा हुआ है। तो जी आ चुके हैं हम चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के 43 बस स्टैंड पे आए हम और हमें टाइम लगा है, मतलब 11:50 पे बैठे थे और 1:30 बजे हम यहाँ पे आ गए यानी 1:30 पे। तो ये आप देख सकते हो ये है चंडीगढ़ का ISBT और
चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ कि पटियाला से चंडीगढ़ का किराया कितना है। तो वो है 100 रुपये, यानी 100 रुपये में आप पटियाला से चंडीगढ़ आ सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।